हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस न्यू पोयम झू मैनर्स. व्हाट झू मैनर्स? मैनर मीन्स सम, वी हैव टू फॉलो सम रूल्स व्हेन वी विजिट द झू. सो रीड एंड एन्जॉय दिस पोयम. ओके, झू मैनर्स. बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द झू. बी केयरफुल, हमेशा केयरफुल रहो कि वॉट यू से और डू, वॉट एवर यू आर सेइंग और डूइंग व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू. व्हेन एवर यू आर विजिटिंग द एनिमल्स एट द जू, जब कभी आप जू में जाओगे तब बी केयरफुल वॉट यू आर सेइंग एंड वॉट यू आर डूइंग देयर. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम. ही इज वेरी प्राउड ऑफ इज नोबल बम. ही इज वेरी प्राउड ऑफ इज नोबल बम. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम. हा, डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम इज अ पार्ट ऑन कैमल्स बैक. कैमल्स के बैक पे जो पार्ट होता है ना, दैट इज हम. एंड डोंट मेक फन, कि उसे उस पर हंसो मत. डोंट मेक फन बिकॉज He is very proud. He is feeling very proud. उसे बहुत proud feel होता है of his noble bump. Noble means great. ये जो bump है, bump means swelling. जो सूजा हुआ की तरह दिख रहा है, swelling. Actually it is not a swelling, but it is a hump. इसे hump कहते हैं. And it is looking like bump. ये कोई swelling तरह लगता है. And he is proud of that swelling. Next, don't laugh too much at the chimpanzee. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. He thinks he is as wise as you or me. Don't laugh too much on the chimpanzee. Chimpanzee is a type of one monkey. Monkey hota hai chimpanzee. But don't laugh on the chimpanzee because he thinks, means chimpanzee thinks that he is as wise. That means वाइज मीन्स नॉलेजेबल, क्योंकि उसके पास भी बहुत सारा नॉलेज है. ऐसा वो थिंक करता है. एज यू और मी, जैसे कि मैं और तुम. एज यू और मी, तुम्हारे तरह ही उसके पास नॉलेज है, ऐसा उसे लगता है. नेक्स्ट, एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक. एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक. कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक. एंड द पेंगुइन्स, सी द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग, दैट मीन्स स्ट्रटिंग, वैसे लड़खड़ा के चलते हैं ना, दैट इज स्ट्रटिंग, वॉकिंग स्टाइल ऑफ द पेंगुइन, कि वहां पे वो लड़खड़ा रहे, दैट इज स्ट्रटिंग. स्ट्रटिंग अराउंड द लेक, लेक के इर्द गिर्द वो स्ट्रटिंग कर रहे. दे कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक. वॉट एवर यू आर सेइंग अबाउट देम, दे कैन नो, कि उन्हें पता है, उन्हें पता चलता है. Treat them as well as they do you. Treat them as well as they do you. And you will always be welcome at the zoo. Treat them as well as they do you. Treat them well means treat all the animals well. अच्छे तरीके से उन्हें treat करो, क्योंकि वो भी करते हैं. And you will always be welcome at the zoo. तो वही वो animal तभी आपको welcome करेंगे. If you treat very nicely to them, if you behave the behave with them very nicely, only time they will welcome you. Again we will see the summary of this poem. Now we will sing this poem in the rhythm. Be careful what you say or do. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. When you visit the animals at the zoo, that means always be careful what you are saying or what you are doing when you are in the zoo. जब आप zoo में जाओगे animals को visit करने, that time you have to careful what you are saying about them or what you are doing with them. In the next stanza, don't make fun of the camel's hum. Don't make fun of the camel's hum. He is very proud of his noble bum. He is very proud of his noble bum. Don't make fun of this camel hum. Part of this camel is hum. इसे हम कहते हैं. And it look likes a noble bump. ये थोड़े से great, ऐसे swelling के तरह लगता है, सूजा हुआ लगता है
बट ही इज वेरी प्राउड, वो बहुत प्राउड फील करता है, बहुत अच्छा फील करता है दैट ही हैज अ हम, कि उसके नो हम के बारे में वो प्राउड फील करता है. सो डोंट मेक फन, उसका फन मत करो. देन डोंट लाफ टू मच एट द चिंपांजी, डोंट लाफ टू मच एट द चिंपांजी. चिंपांजी इज अ वन टाइप ऑफ मंकी, ये मंकी का एक टाइप होता है चिंपांजी. ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू आर मी, ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू आर मी, बिकॉज ही इज थिंकिंग दैट ही हैज अ नॉलेज लाइक यू और मी, आपकी तरह ही मैं भी, मुझे भी नॉलेज है, मुझे पता चलता है, मैं होशियार हूँ. वाइज मीन्स यू कैन से होशियार, क्लेवर. एज वाइज एज यू आर मी, मेरे और तुम्हारे तरह वो भी वाइज है, वो भी होशियार है, होशियार है. ओके नेक्स्ट सी, एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक, एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक. द पेंगुइन्स आर स्ट्रटिंग, वो ऐसे लड़खड़ते लड़खड़ते चलते हैं ना पेंगुइन ऐसे. पेंगुइन्स एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक, दे आर स्ट्रटिंग अराउंड द लेक एंड दे कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक. दे कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, वॉट एवर यू आर, रिमार्क्स मीन्स वॉट एवर यू आर सेइंग टू देम, दे नो दैट. रिमार्क्स यू मेक, दे कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक. रिमार्क्स मीन्स वॉट एवर यू आर सेइंग टू देम और यू आर मेकिंग कमेंट्स ऑन देम, दे नो दैट, कि वो जानते हैं. देन ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू, ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू, कि उनके उनके साथ अच्छे से बिहेव करो. एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू, एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू. सो यू, आपका जू में हमेशा ही स्वागत होगा. यू विल वेलकम ऑलवेज एट द जू. ओके नाउ वी विल सी दिस पोएम वॉज रिटन बाय एलिन मैथियस, एलिन मैथियस. देन ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल सी सम न्यू वर्ड्स फ्रॉम द पोएम प्राउड. प्राउड फील करना मीन्स ऐसा गर्व महसूस करना, दैट इज प्राउड. नेक्स्ट इज नोबल, नोबल मीन्स ग्रेट, महान आप कह सकते ग्रेट, दैट इज नोबल. वाइज मीन्स नॉलेजेबल, यू कैन से होशियार, नॉलेजेबल, दैट ही नोज ऑल द थिंग्स, दैट इज वाइज. पेंगुइन्स, पेंगुइन्स इज एनिमल, बर्ड्स यू कैन से, सॉरी बर्ड्स, पेंगुइन्स आर बर्ड्स. देन स्ट्रटिंग, स्ट्रटिंग वॉकिंग, वॉकिंग स्टाइल ऑफ पेंगुइन, ऐसे वो मराठी में वी कॉल ना अड़खड़त अड़खड़त चालने, दैट इज स्ट्रटिंग. एंड रिमार्क्स, रिमार्क्स मीन वॉट एवर यू आर सेइंग अबाउट देम, दैट इज रिमार्क्स. ओके नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन इट.